हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और एक बहुत अच्छे दिन के साथ चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अभी सवेरे सवेरे का टाइम है, वैसे सवेरे का नहीं, दोपहर का टाइम हो गया है। सवेरे सवेरे मेरा पूरा काम सब कुछ हो गया है ना, रात हेमर को आज बाहर जाना है तो सवेरे से उसी में बिजी हूँ। देखिए अभी भी यहाँ पे सवेरे को कपड़े धोए थे ना तो वो सूख भी गए, क्योंकि अभी बच गए 12। तो आजकल इतनी धूप होती है ना कि फटाफट से कपड़े भी सूख जा रहे हैं। सवेरे सवेरे मैंने बहुत ज्यादा ही अर्ली मॉर्निंग को वॉश कर दिए थे, क्योंकि उसे लेके जाने हैं ना, वो आज रात को तो निकल रहे हैं। तो आज ना पूरा दिन उसी में ही, कल शाम से हम लोग उसी में ही बिजी है, पैकिंग करना ये वो, क्योंकि वो एक दो दिन के लिए जाते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, बट वो एक दो दिन के लिए नहीं जाते, जा रहे हैं, वो जा रहे हैं पूरे 8-10 दिन के लिए। तो फिलहाल अभी तो ऑलमोस्ट उसी की तैयारी में आजकल मैं लगी रही हूँ। और देखिए हमारे प्लांट्स दिखा देती हूँ आप लोगों को, कितने ब्यूटीफुल हो गए हैं। यहाँ पे भी थोड़े बहुत हैं। तो चले गाइस, फिलहाल चलती हूँ नीचे। और आज ना बहुत ही ज्यादा काम है, क्या ही बताऊं, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां बाकी है, अभी थोड़ा बहुत हो गया है। पैकिंग तो उन्होंने रात को ही कर ली थी, थोड़े बहुत कपड़े है वो रखने हैं, एंड अब खाने के लिए ना मैं उसके लिए कुछ बनाने वाली हूँ। तो चलिए आ गई हूँ नीचे, और देख सकते हैं बेडरूम मैंने ऑलमोस्ट आधा क्लीन कर दिया है, क्योंकि ना हेमल पैकिंग कर रहे हैं तो क्लीनिंग में कर रही हूँ, वो कपड़े निकाल रहे हैं, तो सब कुछ आज इधर उधर हो रहा है। तो मैंने कुछ क्लीनिंग भी ठीक तरह से नहीं की है, और फटाफट से नीचे जा रही हूँ, बिकॉज अभी थोड़ी देर में बच जाएंगे 12:30 और मुझे लंच बनाने की तैयारी जल्दी जल्दी से करनी है। चलिए चलते हैं नीचे, लंच बना लेती हूँ। 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Hey guys, good evening. तो अभी बज गए हैं शाम के 6 बजने में 5 मिनट बाकी है, एंड हाँ लंच करने के बाद थोड़ी देर में आराम कर गई थी। तो लंच तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर लिया है, अब जा रहे हैं वापस से नीचे, बिकॉज आज हेमल जा रहे हैं बाहर, उसके लिए मुझे बनाना है थेपला। तो मैं नीचे जा रही हूँ किचन में वापस से, और बनाऊंगी अभी हेमल के लिए गर्मा गर्म थेपले, क्योंकि वो लेके जाने वाले है। तो चलिए फिलहाल बना लेती हूँ थेपले, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे मैंने थेपले का डो रेडी कर दिया है, अब फटाफट से इसको यहाँ पे बेलूंगी। और देखिए यहाँ पे तवा भी गर्म हो रहा है, तो फटाफट से पका लेंगे। तो देखिए गाइस, ऑलमोस्ट यहाँ पे हेमल पैकिंग कर रहे हैं उसकी, और अभी थोड़ी ही देर में हम लोग घर से निकलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सब चीजें, अभी थोड़ा बहुत तो पैकिंग कर लिया था बट थोड़ा बहुत बाकी है, तो वो यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं। और मैं भी ऑलमोस्ट हो गई हूँ रेडी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं, और मैं जाने वाली हूँ हेमल को रेलवे स्टेशन पे छोड़ने। तो हो गई हेमल पैकिंग, क्या अभी बाकी है? हाँ, हो गई, ऑलमोस्ट हो गई, हो गई है, बाकी है। आपका फोन बज रहा है ना, आई थिंक अभी क्या बाकी क्या है आपको पता होगा ना, सब कुछ वैसे तो आ ही गया है, रात को ही पैकिंग कर ली थी। तो चले, तो ये जो कुछ भी बाकी है वो फटाफट से रख दीजिए, फिर घर से निकलते हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट हो गए हैं हम लोग रेडी, और बस अभी थोड़ी देर में निकलने ही वाले हैं गाइस, तो बने रहिए आप लोग भी। अभी फिलहाल यहाँ पे देखिए पैकिंग वैकिंग भी सब कुछ हो गया है, एक ही बैग है हेमल का, बिकॉज हेमल अकेले ही जा रहे हैं, अगर मैं उसके साथ होती ना तो 2-3 बैग एक्स्ट्रा होते, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना तो मेरा सामान ज्यादा रहता है, पर हेमल अकेले ही जा रहे हैं। क्यों हेमल एक ही बैग में सब कुछ आते हैं? एक बैग में ही आ गया सब कुछ। चलिए तो जाना है ना, चलो निकल रहे। चलो तो मैं आपको तिलक लगा देती हूँ जाने से पहले, बैठ जाइए वहाँ पे। तो लीजिए जरा ये पकड़िए आप। चलिए तो देखिए स्वीट भी खिला देते हैं, लीजिए पूरा खा जाइए, क्योंकि हमारे में ऐसा होता है कि कभी भी कोई घर से बाहर जाता है, कहीं पे भी जाता है, काम के लिए भी जाता है ना, तो तिलक लगाए बिना घर से नहीं निकलते, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ठीक है? चलिए तो रेडी ना, चलो लेट हो जाएगा, निकलते हैं हम लोग।
चलिए गाइस, तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। अभी फिलहाल हम लोग घर से निकल रहे हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे स्टेशन पे, और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन भी आ जाएंगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो देखिए, ये है हमारे पोरबंदर का रेलवे स्टेशन। अभी हम लोग बाहर है, अभी अंदर एंट्री करेंगे। और देखिए यहाँ पे कितना बड़ा इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। अभी तो देर है, अभी तो टाइम है ना, कितने बजे? 9:15 बजे यहाँ से ट्रेन जाएगी। तो अभी तो टाइम है हमारे पास ऑलमोस्ट। देखिए सब लोग वेट कर रहे हैं। देखिए हेमल यहाँ से प्लेटफॉर्म टिकट ले रहे हैं। देखिए प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट आ गई है, बिकॉज हमें तो वापस आना है ना, जाना तो हेमल को है। तो प्लेटफॉर्म टिकट के बगैर तो हम लोग यहाँ से वापस भी नहीं आ सकते, तो हम लोगों ने टिकट भी ले ली। ऑलमोस्ट देखिए हम लोग स्टेशन के अंदर पहुँच गए हैं। ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। अभी तो हमें बहुत ही ज़्यादा आगे भी जाना है, बिकॉज हेमल आपका कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर है? अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आई थिंक तो S2 या S3 वो कोई है। तो अभी तो देखिए यहाँ पे ट्रेन लग गई है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी चेयर लगाई है हमारे यहाँ पे, एंड ऑलमोस्ट सब लोग देखिए जा रहे हैं। हमें कौन से वहाँ पे जाना है? वो तो बहुत आगे है, S2 है, S3 है। नहीं नहीं, आगे है, वो AC वाली करवाई है ना। मैं तो AC में बैठ के जाएंगे। आप बड़े AC वाली करवाई है तो सबसे आगे होती आगे है। मैं वही देख रहा हूँ कौन सा। चलिए फिलहाल बहुत ज्यादा ही आगे जाना है। सो गाइस ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए ट्रेन आ गई है, एंड मैं अभी फिलहाल यहाँ पे बैठी हूँ, बिकॉज वेट करेंगे अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है। 15 से 20 मिनट हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो अभी हेमल लेने गए हैं पानी, क्योंकि पानी हम लोग भूल गए हैं घर पे। वैसे भी पानी की बोतल की ज़रूरत नहीं रहती, वो तो कहीं पे भी मिल जाती है। तो हेमल पानी की बोतल लेने गए हैं, क्योंकि उनसे भी वहाँ पे काम आएगी। तो चलिए फिलहाल अभी तो हमें यहाँ पे बैठ के वेट करना है। तो देखिए हेमल भी आ रहे हैं। हेमल आ गए हैं पानी की बोतल लेके। चलिए तो फाइनली अब ट्रेन जा रही है। अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, कब से बोल रहे हैं जा रही है। जाना है आपको? देखिए हमारे साथ केवल और शिवानी भी आ गए हैं। हाय केवल, हाय शिवानी। तो ये दोनों भी आ गए हैं, क्योंकि हम तीनों जाएंगे अब घर पे। और हेमल चलो। हाँ बाय बाय। चलिए बाय बाय। चलो बाय बाय। देखिए हेमल जा रहे हैं फाइनली। तो फाइनली हेमल जा रहे हैं। देखिए चलो। तो चलिए गाइस, फाइनली हेमल तो जा चुके हैं और हम तीनों जाएंगे अब घर पे। देखिए केवल एंड शिवानी साथ में है मेरे। हम तीनों जाएंगे घर पे, और आज ना मैं बाइक चला के जाने वाली हूँ फाइनली। चलिए आप लोगों को भी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। पोरबंदर रेलवे स्टेशन पर आप सबका, यात्रियों का और यात्रियों को छोड़ने जाने सबका स्वागत है। आज यहाँ पर एक नुक्कड़ एक छोटा सा नाटक हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जो RPF के द्वारा एक अभियान चल रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जिसका नाम है मेरी सहेली। तो यहाँ पर RPF की बहने और SSC ग्रुप NGO की बहने आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। हेलो आंटी, कैसे हो? बस ठीक है। मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया।
खड़गपुर तो काफी दूर है, इतनी दूर अकेले जाना, ट्रेन में अकेले कैसे जाएगी, ट्रेन में अकेले जाएगी खतरनाक साबित होता है, कोई भी घटना घटित हो सकती है। अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसको इतनी दूर कभी नहीं भेजती। आप क्या बोल रही हो, आज के समय में ट्रेन में यात्रा करना बहुत सुरक्षित। अरे बहन तमे શું બોલો છો, આજના જમાનામાં લાંબી યાત્રા કરવી સુરક્ષિત થઈ ગઈ છે, આરપીએફ દ્વારા અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે। तो गाइस यहाँ पे ना कुछ नाटक दिखा रहे थे तो हम लोगों ने थोड़ी देर वो देखा और फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पता नहीं सब लोग पुलिस वाले हैं, यहाँ पे जो स्टाफ है वो सब थे, वो कोई नाटक दिखा रहे थे तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने वॉच किया और अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। फाइनली पहुंच गई हूँ घर पे, हेमल को स्टेशन पे हम लोगों ने छोड़ दिया और केवल और शिवानी भी वहाँ पे आए थे तो हम तीनों आ गए हैं। मैं और हेमल गए थे बाइक लेके और फिर बाइक को लेके ना मैं वापस से आ गई हूँ घर पे। तो चलिए गाइस फिलहाल हेमल तो अब यहाँ पे नहीं है, वो तो गए है तो मुझे अच्छा नहीं लगता उसके बगैर वैसे, तो कोई बात नहीं उसे काम है, वो बॉम्बे गए है तो उसे काम है तो फिलहाल वो भी अभी चले गए है। एंड देखिए अभी बज गए है 10:15 हो गए है। तो चलिए गाइस आज का व्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि अब डिनर करने की कोई मन नहीं है, तो डिनर भी करना हो तो ही करूंगी, तब सीधा एडिटिंग पे बैठ जाती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। जो लोग नए देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। हेमल जा रहे हैं, बाय।